इसकी डोली भी फोल्डिंग है, इसकी डोली फोल्डिंग है। हाँ, डोली फोल्डिंग है, ढाई फुट डोली पूरी की पूरी फोल्ड होके इसके ऊपर चढ़ जाएगी और यहाँ टिक जाएगी आकर के। अगर किसान अपनी गैरेज के अंदर, घर के अंदर लगाना चाहता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को NVT का कोई भी प्रोडक्ट लेगा उसको सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसको लोन दिलवाया जाएगा। इसके बारे में हमारे साथ जानकारी देंगे कंपनी के ओनर मक्खन सिंह जी हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अमृतपाल जी, और दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए उन किसान साथियों का NVT की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागतम, वेलकम। सर, जैसे मैं शुरू में कहा जी, भी NVT कंपनी हर साल नए नए प्रोडक्ट अपने लेते आ रहे हैं पैडी थ्रेशर में, तो इस साल हम कौन कौन से मॉडल लेकर आए सर? क्या देखो, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी। बैक टोकरी, हाँ, ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप बैक टोकरी बिल्कुल नया मॉडल, जो ऑलरेडी अभी इसी साल अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया, और इसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन चलते हैं आपको NVT ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप सह टोकरी के अंदर। ये अमृतपाल जी एक ऐसा थ्रेशर, हाँ जी सर, जो मूंगफली, धान और मक्का तीनों फसलें एक ही थ्रेशर से निकाली जाती है। अन्य क्रॉप के अलावा मूंगफली, धान और मक्का कोई थ्रेशर नहीं निकालता। ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप सह टोकरी के अंदर तमाम तरह की फसलें, जैसे अगर ग्वार की बात करें, या बाजरे की बात करें, या सरसों की बात करें, या चना की बात करें, या मूंग उर्द की बात करें, चावल, सरसों, धान, वो मक्का तो मैंने बता दिया, तमाम तरह की 12-14 फसलें किसान भाई ड्रम, जाल और जाली चेंज करके NVT मल्टीक्रॉप, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप सह टोकरी के अंदर से निकाली जाएगी। तो सर, इस बार साइड टोकरी जो आपका थ्रेशर आ रहा है उसमें क्या अपडेट की गई है? देखो, अगर अपडेट की बात करें तो ये देखो, ये शाफट और ये चैन, ये पूरी ड्रम के अंदर 6 पंखे के अंदर, जो ड्रम के नीचे पंखे का नीचे का भाग है उसमें 6 छापट लगा दी, ताकि चलने से माल जो है उसके माध्यम से बिल्कुल पंखे के नज़दीक आ जाए, और गीले से गीला और सूखे से सूखा माल ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप से निकाला जाएगा। सर, जैसे आपने गीले सूखे की बात की जी, तो महाराष्ट्र के या कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जब फसल निकलती है जी तो गीली फसल होती है जी, क्या जी गीली फसल को सर निकाल देगा? ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप 100% गीली, एक तरफ से तो बारिश आ रही होगी और दूसरी तरफ से ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप चलता होगा। ये इसी बार जो अपने जो आया था वो अभी कुछ दिन पहले, बुध से क्या बोलते उसको, तूफान आया, और उस तूफान में लहरों के अंदर NVT थ्रेशर चलता हुआ नजर आया। हमारे YouTube चैनल के ऊपर काफी वीडियो डले हुए हैं और उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी डले हुए हैं। बिल्कुल गीले से गीला और सूखे से सूखा किसान भाई ऐसे पानी से खींच करके मूंगफली को और थ्रेशर में डाल के निकाली उन्होंने। अरे वाह सर। और सर, जो अपना ये मॉडल है इस पे किसान भाई को कितने फैन और कितने वगैरह व्हील वगैरह? ये 6 फैन का थ्रेशर है, एक्सल थ्रो के माध्यम से ड्रम के साथ अटैचमेंट, दूसरा ये पंखा चलने से माल को उठाने वाला, और सबसे मजे की बात, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन फिल्टर, चौथा एयर फैन, बिल्कुल क्लीन माल ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप सेट टोकरी के अंदर से निकाला जाएगा। किसान बिल्कुल फ्रेश माल चाहे तो अपने घर में ले जाए या सीधा अनाज मंडी में ले जाए। सर, मैं ना जब कोई भी आपका NVT का थ्रेशर देखता हूँ जी, तो सभी एलिवेटर आपके फोल्डिंग आते हैं जी, है ना जी। देखो, ये भी एलिवेटर फोल्डिंग है, ये 2 वोल्ट खोल करके इसको ऐसे घुमा दो, पूरी की पूरी साइड के अंदर लग जाएगा, जो YouTube चैनल के माध्यम से दिखाया गया है। और अगर किसान चाहे तो एलिवेटर ये खोल भी सकता है, 2 वोल्ट ये और 2 साइड में, 4 वोल्ट खोल करके इसको साइड में भी रख सकता है और घुमा के साइड में भी कर सकता है। और इसके सबसे जो ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी, ये मल्टी स्पीड का थ्रेशर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, किसान चाहे सूखे से सूखा और गीले से गीला माल, छोटे से छोटा और भारी से भारी माल ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप सेट टोकरी से निकाल सकता है। सर, एक किसान का सवाल होता है जी, जो हॉप आपका दिया गया है, मिसाइल मॉडल कह देते हैं इसको जी, भूसा फेंकने का जी, कितनी दूर तक सर फेंकता है? देखो, ये 25 से 40 फुट तक भूसा इसकी फेंकने की कैपेसिटी है, ट्रैक्टर के हिसाब से, RPM कम ज्यादा के हिसाब से ये काफी दूर तक भूसा फेंकता है। और सर, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, थोड़ा सा मैं जो अपना नया वर्जन है जी उसके बारे में जानकारी चाहता हूँ, उसमें क्या अपडेट है इस बार? देखो, अगर नए मॉडल की बात करें तो इसके आगे डबल पुली, आगे डबल पुली और आगे ही व्हील, सेंटर में तो है लेकिन डबल पुली और व्हील, और एलिवेटर फोल्डिंग इसका, ये देखो, चौड़े रस्तों के अंदर रोड पे चलने में किसान भाई को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, पूरे का पूरा ये एलिवेटर इसका फोल्डिंग है। और अगर इसके पंखे की बात करें
तो ये अलग अलग पंखे, एक्सल थ्रो चलने से माल को उठाने वाला, और डबल फिल्टर, चौथा एयर फैन, बिल्कुल क्लीन माल किसान चाहे तो मंडी में और अपने घर बिल्कुल ले जा सकता है। और इसके अंदर अमितपाल जी मैं आपको बताऊं, हाँ जी सर, कि बैग टोकरी, हाँ जी सर, बैग टोकरी के साथ होपर सिस्टम ज्वाइंट, बिल्कुल किसान चाहे तो इसको ऊपर कर सकता है, खोलने की जरूरत नहीं है, चाहे तो पीछे डोली से माल निकाल सकता है। ठीक है सर जी, डोली से माल निकाल सकता है और इसके ऊपर खड़कर माल कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उसको सुविधा लगे वैसे वो अपना कार्य कर सकता है। और सर जो इसके पीछे ये टोकरी दी गई है, बैक साइड टोकरी, मल्टीक्रॉप पैडी थ्रेशर में जी, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी सर। देखो अगर इसकी डोली की बात करें तो इसके अंदर डोली के रिवर्स गियर लगा हुआ है, अगर यहाँ पर रुक जाएगा और ये यहाँ रिवर्स घूम जाएगा। और दूसरी इसकी बात करें तो इसके अंदर फीडर सिस्टम, रोलर नहीं है, काफी थ्रेसरों में आपने रोलर देखे होंगे, हाँ जी सर, रोलर से गिल्ला माल साथ में लिपट जाता है। अगर मूंगफली की बात करें या मूंग उर्द की बात करें, वो अंदर जाने की कैपेसिटी कम और डोली में पलटा लगता है। लेकिन ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप, इसके अंदर फीडर सिस्टम दिया गया है, चैन दी गई हुई है ताकि चैन के माध्यम से माल गीले से गीला और सूखे से सूखा माल बिल्कुल रिलैक्स ड्रम के अंदर चल जाएगा। अगर एक बटर भी डाल देंगे तो पूरे का पूरा ड्रम के अंदर चला जाएगा। सर आपने तो कमाल कर दी सच में, क्या थ्रेशर आया, मैं तो देखकर हैरान हूँ, इतना बढ़िया थ्रेशर। इसमें एक बात और, हाँ जी सर, जैसे एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल के अंदर, हाँ जी सर, डबल स्पीड, बिल्कुल वैसे ही ये डबल स्पीड के अंदर, वो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने भूल गया, हाँ जी, किसकी डोली भी फोल्डिंग है, इसकी डोली फोल्डिंग है सर। हाँ डोली फोल्डिंग है, ढाई फुट डोली पूरी की पूरी फोल्ड होके इसके ऊपर चढ़ जाएगी और यहाँ टिक जाएगी आकर के। अगर किसान अपने गैरेज के अंदर, घर के अंदर लगाना चाहता है तो कम जगह में भी ये थ्रेसर एडजस्ट हो जाता है। के चलने के अंदर शाफ्टें लगी हुई है, अलग अलग छह पीस शाफ्टें लगी हुई है, और जो है ये माल को चलने में जमा नहीं होने देती। जैसे गिल्ले माल का ये थ्रेसर है, इसको हला करके पंखे के नजदीक चली जाती है, दाना नीचे जर जाता है और बाकी जो कचरा है वो पंखे से आगे चला जाता है। इनका मेन बहुत बढ़िया इसका सिस्टम है। और अगर इसकी बात करें ड्रम की, तो गीले से गीला और सूखे से सूखा माल इसमें निकाला जाएगा। इसमें आधी ब्लेडें लगी हुई है और आधे इसके अंदर वोल्ट लगे हुए हैं, ब्लेडें खुल जाएगी मूंगफली के अंदर और वोल्ट जो है रेगुलर लगे रहेंगे ताकि माल को घुमा करके मूंगफली को झटका सके। फिल्टर है, कन्वेयर नहीं है, फिल्टर बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर मल्टी स्पीड है इसकी। किसान चाहे तो इसकी आरपीएम कम चाहे ज़्यादा करके गीले से गीला और सूखे से सूखा माल ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी से निकाल सकता है। सर मैंने आपका साइड टोकरी पैंडी थ्रेशर देख लिया और आपका मल्टीक्रॉप बैक टोकरी थ्रेशर भी पैंडी थ्रेशर देख लिया जी। और उसके बाद सर मैं ये आपका थ्रेशर देख रहा हूँ साइड पे जी, मक्का थ्रेशर कहते हैं सर, इसमें मेज थ्रेशर है। किसानों की इतनी अमृतपाल जी डिमांड रही कि हमें खुद कोई विश्वास नहीं था कि ये थ्रेशर को इतना रिस्पॉन्स कैसे मिल गया। किसानों की डिमांड के मद्देनजर रखते हुए एलिवेटर की बात करें तो एलिवेटर और इसके ऊपर हैवी ड्यूटी का गियर और इसका जो कन्वेयर लगा दिया साइड के अंदर, हाँ जी सर, कन्वेयर से किसान क्या है, खड़ा खड़ा किसान इस डोली के अंदर अपने जो मूंगफली का बूटा है, हमारे उसको छली बोलते हैं हरियाणा के अंदर, उसको इस डोली के अंदर डालता है और ये कन्वेयर के माध्यम से सीधी ड्रम के अंदर चली जाती है। यहाँ 5-7 मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती, एक या दो मजदूर से ही काम चल जाता है। सर किसान भाई इससे मक्का ही निकाल सकते हैं, कोई और फसल भी निकाल सकते हैं, सूरजमुखी भी निकाल सकते हैं इसके अंदर। महाराष्ट्र से हमारे पास वीडियो आए जिन्होंने सूरजमुखी निकाला। सही है सर जी। और इसके अंदर अमृतपाल जी मैं आपको बता दूं उन किसान भाइयों को भी, ये देखो ये चलने की जाली के अंदर अगर बूटे के साथ अगर कोई दाना भी आ जाता है तो नीचे इसका चलना लगा हुआ है, ये इसका पतनाला लगा दिया, वो दाना यहीं रह जाएगा, बूटे के साथ नहीं जाएगा इसमें। सही सर। और डबल व्हील इसके अंदर और थ्री फैन का ये थ्रेसर, चलने की लंबाई बहुत ज़्यादा। और सबसे मज़े की बात इसके अंदर ये पंखे की हवा की सेटिंग, ये देखो पूरी सिस्टम आधा इंची कम और ऊपर नीचे, किसान चाहे उस सेटिंग से हवा चलने के अंदर मार करके और बढ़िया से बढ़िया क्रॉप वो किसान निकाल सकता है। अरे वाह सर, ये फैसिलिटी सर मैं पहली बार देख रहा हूँ थ्रेशर में और किसी में देखी मैं जीते तो। हाँ ये किसान की डिमांड के ऊपर है कि मशीन ऊंची नीची कैसे भी लगी हो माल बिल्कुल सही निकलना चाहिए। और सर इसका जो ड्रम साइज है मुझे इसके साइज देखो, ये कंपनी के स्टैंडर्ड साइज का ड्रम जाल है, इसका जाल भी और ड्रम भी, इसमें कोई वो छेड़छाड़ नहीं की हुई, बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज ट्रैक्टर के हिसाब से बनाया गया है। सही है सर जी। और
जैसे आपने ट्रैक्टर के हिसाब से बताया, तो इसको थ्रेसर को कौन कितने एचपी ट्रैक्टर से जो चला सकता है? देखो कम से कम 35 एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए। वैसे एनवीटी के पास 22 एचपी के भी मॉडल हैं, लेकिन इस थ्रेसर के लिए जो आपको बता रहे हैं 30 एचपी का ट्रैक्टर या इससे बड़ा कोई भी ट्रैक्टर हो। सर मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, मैं एक सब पूछना चाहता हूँ, जो आप आज हम थ्रेशर देख रहे हैं क्या भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के लिए? बिल्कुल सब्सिडी अप्रूव्ड है, चाहे मल्टीक्रॉप सेट टोकरी की बात करें, चाहे मेज थ्रेशर की बात करें, या ग्राउंडेड पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी की बात करें, तमाम तरह के प्रोडक्ट सब्सिडी अप्रूव्ड है। सर एक सवाल मेरा छोटा सा हो रहा है, कुछ किसान भाई फाइनेंस की जरिए लेना चाहते थ्रेशर लोन के सही है, क्या उसके भी हो सकता है? देखो वो देखो लोन फैसिलिटी अवेलेबल बहुत अक्षरों में बड़े बड़े रेड कलर और वाइट लिखाई के अंदर दिख रहा है, ये लोन फैसिलिटी अवेलेबल 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट लेगा उसको सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसको लोन दिलवाया जाएगा आधार कार्ड से सिविल चेक होते ही 72 घंटे के अंदर अंदर किसान को लोन दिया जाएगा। सर जो किसान भाई दर्शक देख रहे हैं जी, जैसे मैं तो बहुत खुश हो चुका हूँ क्योंकि लोन पे मशीन मिल रही है बहुत कम पैसे देकर सिविल हिसाब से, तो लेना चाहते हैं आपसे जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह ले सकते हैं मशीन? देखो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से और पूरे भारत के अंदर NVT का डीलर नेटवर्क है, डीलर से बुकिंग करवा करके किसान हिंदुस्तान के किसी भी कोने में प्रोडक्ट ले सकता है। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें आपका भी बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी तपतपाती 42 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पहुँचे हो, आपका NVT की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। सर आप जी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं NVT के से तो स्क्रीन पे नंबर मिल रहे हैं और वीडियो के नीचे नंबर मिल जाएंगे, आप इन नंबर से बात करके इस कंपनी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।